Today we are going to discuss about the carbon cycle. Carbon cycle is again an important cycle because carbon is very important. How does carbon moves in the different aspects? उस चीज को हम यहाँ पे एक cyclic way से देखते हैं. Carbon cycle हमने दिखाया है कि carbon cycle carbon dioxide जो है वो atmosphere में होती है उसमें कार्बन होता है. कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में मौजूद होता है. एटमॉस्फेयर में भी होता है लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंपोजिशन ओशन के अंदर होती है. हम यहाँ पे आज के इस वीडियो में ये चीज देखेंगे कि कार्बन किस तरह से एक साइक्लिक मैनर में चल रहा है. तो सबसे पहले मैं इसको शुरू करता हूँ. आपके सामने साइकिल बनाया हुआ है. ये हमने बीच में जो सेंटर में दिखाया है ये प्रोड्यूसर्स दिखाए हैं. प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर हम जानते हैं, प्रोड्यूसर वो होते हैं जो फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं. इसमें ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रासेस वगैरह हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूसर यूटिलाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज, वाटर का यूज और सनलाइट का यूज, इसका यूज करने से प्लांट्स फूड को सिंथेसाइज कर लेते हैं. हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स जब खुद रेस्पिरेशन करते हैं तो उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. हमने देखा एक साइकिल ये कंप्लीट हुआ. दूसरा साइकिल हम देख रहे हैं यहीं पे, प्रोड्यूसर जब बहुत सालों साल तक डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल के अंदर, यही प्रोड्यूसर इनका क्या बन जाता है, कोल बन जाता है. इट इज द फॉसिल फ्यूल. जब हम कोल को जलाते हैं तो कोल को जलने के मैकेनिज्म को हम कंबशन कहते हैं या बर्निंग कहते हैं. इसके जलने से भी हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड. ये हमने दूसरा वे देखा किस तरह से हो रहा है. एक और तरीका, जब हम प्रोड्यूसर्स जब डिकम्पोज हो जाते हैं, इनको कौन डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोजर्स. और डिकम्पोजर्स गेट कन्वर्टेड अगेन इनटू द कोल, देन ये साइकिल फिर उसी वे से हो रहा है. एक और वे हम देखते हैं, प्रोड्यूसर को कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स में एनिमल आते हैं. ये एनिमल जैसे ह्यूमन बीइंग है, बाकी एनिमल्स हैं, काउ है, बफेलो है, गोट है, बाकी एनिमल्स हैं जो इन प्रोड्यूसर्स को यूटिलाइज करते हैं. जब कंज्यूमर्स खुद रेस्पिरेशन करते हैं तो कंज्यूमर्स रेस्पिरेशन करने के दौरान भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं. ये भी एक साइकिल आप यहां से देख रहे हैं. ये कंज्यूमर्स जब ये भी जमीन के अंदर बहुत सालों साल तक रहते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में. जब फॉसिल फ्यूल को आप जलाते हैं तो अगेन इनकी कंबशन की वजह से आप कार्बन डाइऑक्साइड हासिल कर रहे हैं. दिस इज एनदर वे, दिस इज हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स विद इन द साइकिल. तो इस वीडियो में हमने ये चीज देखा कि कार्बन किस तरह से एक साइक्लिक मैनर में चलता है. तो आज की वीडियो में हमने ये चीज स्टडी करी. तो अगर आप इस तरह की और मजीद वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, सो दैट यू कैन गेट मोर एंड मोर सच टाइप ऑफ द वीडियो. थैंक्स. इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए TI स्टूडियो को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं.